वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में मैं शिव ओम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है बी थर्ड सेमेस्टर में है तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत अच्छी जगह आए हो आपको बता दूं कि इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न लगभग सौ से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है ये ओके सोशियोलॉजी का जो पहला पेपर होता है यानी कि यस या ओ सी टू जीरो वन ठीक है यस ओ सी टू जीरो यन ठीक है ये जो पेपर कोड है आपका इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे बी ए ये सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का एक पेपर जिसके अंतर्गत आप सामाजिक जो परिवर्तन है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को समझेंगे और सोशियोलॉजी का जो आपका दूसरा पेपर है उसमें सामाजिक आंदोलन के बारे में सोशल मूवमेंट से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक है तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चले एक बार सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक बताएंगे कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखा है इस पुस्तक को किसने लिखा है बिल्कुल बेल ने लिखा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सामाजिक परिवर्तन को प्राकृतिक प्रवरण के आधार पर किस समाज ने प्रकट किया हर्बर्ट स्पेंसर डारबिन पीटरिम सोरोकिन या फिर गोबिंथ बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन को प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर जो जिस समाजशास्त्र ने प्रकट किया है वो है हर्बर्ट स्पेंसर जी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है समाज का स्वाविक सिद्धांत भी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है ये बात ध्यान रखेंगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक निर्णायकवाद निर्णायकवाद्य प्रौद्योगिक निर्णायकवाद एक सिद्धांत है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड है प्रौद्योगिक निर्णायकवाद सिद्धांत इसको किया दिया है मार्क्स बेबलिन ने ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन आप देखिएगा सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया माल्थस सैंडलर या थॉमस या फिर इन सभी के द्वारा तो जनसंख्या की बात अगर हो तो माल्थस अगर ऑप्शन में है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्थस करेक्ट आंसर ए ऑप्शन तो सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्या का जो सिद्धांत है जनसंख्या विस्फोट है जनसंख्या वृद्धि का वो माल्थस ने दिया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा कि समाजशास्त्री ने उद्विकास प्रगति और विकास के भेद मतलब में भेद नहीं किया है बताइए किसने नहीं किया है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे डारबिन ने किया है उद्विकास प्रगति और विकास में भेद स्पेंसर ने भी किया है और मॉर्गन ने भी किया है अगस्त कॉमटे ने नहीं किया तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन साहब की स्क्रीन पर आ चुका है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं से रिलेटेड कला का उद्विकास का प्रतिपादन किसने किया सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं से संबंधित कला का उद्विकास का प्रतिपादन किसने किया तो किसने किया भैया किसने किया हेट्टन महोदय ने किया किसने किया जे एच हट्टन ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया हाँ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बड़ी जबरदस्त पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है तो इस पुस्तक को किसने लिखा भैया योगेंद्र सिंह जी ने लिखा है आपसे नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के, के लेखक कौन है बताएंगे मजूमदार या श्यामा मतलब कि यी दुबे जिनको बोलते हैं या फिर मजूमदार और मदान या फिर श्रीनिवास बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एम एन श्रीनिवास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल पुस्तक सोशल चेंज एंड मॉडर्न मतलब कि इन मॉडर्न इंडिया इस पुस्तक को लिखा है एम एन श्रीनिवास ने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय समाजशास्त्री हैं ये सब ठीक है आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है आधुनिकीकरण से यानी मॉडर्नाइजेशन जो होता है उसी को आधुनिकीकरण बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन तो आधुनिकीकरण से भिन्न यानी अलग पश्चिमीकरण शब्द नैतिक दृष्टि से तटस्थ है यह कथन किसका है आधुनिकीकरण से भिन्न पश्चिमीकरण शब्द नैतिक दृष्टि से तटस्थ है यह कथन है एम एन श्रीनिवास का ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में बन सकता है संस्कृतिकरण एक गहन और बहुपक्षीय प्रक्रिया है किसने कहा संस्कृतिकरण एक गहन और बहुपक्षीय प्रक्रिया है इसको कहा था एम एन श्रीनिवास ने ठीक है एम एन श्रीनिवास ऑप्शन में दिया नहीं तो एम एन श्रीनिवास आप लगा लेंगे सी ऑप्शन में एम एन श्रीनिवास ऑप्शन नंबर सी एम एन श्रीनिवास यहाँ पर कर लेंगे ठीक है एम एन श्रीनिवास का कथन है ये आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है लौकिकीकरण से अभिप्राय विभेदीकरण की प्रक्रिया से है यह कथन किसका है लौकिकीकरण से अभिप्राय विभेदीकरण की प्रक्रिया से यह कथन किसका है यह कथन एम एन श्रीनिवास का है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा और तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं तो ध्यान रखिएगा आपसे एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार दो हजार तेईस की परीक्षा में कि वैश्विक ग्राम की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया तो यम मैकलूहन महोदय ने किया था वैश्विक ग्राम की अवधारणा का प्रतिपादन ध्यान रखिएगा एक पुस्तक क्लास एंड क्लास कंफ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये पुस्तक है 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि क्लास एंड क्लास कंफ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इस पुस्तक के लेखक कौन है तो राल्फ डेहर ने लिखा इस पुस्तक को किसने लिखा है राल्फ डेहल डेहन डेहरेन ड्राफ्ट ने लिखा इस पुस्तक को क्लास एंड क्लास कंफ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक 2023 में प्रश्न पूछा गया था ये बात ध्यान रखेंगे आपसे भी पूछा जाता है कि लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने दिया तो मैकी मैरियट ने व्यवस्थित विवरण दिया था ये प्रश्न भी दो की परीक्षा में पूछा गया है ये ध्यान रखिएगा परीक्षा में आपके आ सकता है अगला क्वेश्चन है समाज के प्रकार्यों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही पूछा गया ये सब प्रश्न ठीक है ध्यान रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में ही पूछा गया था कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है मानवतावाद से या बुद्धिवाद से तो दोनों से संबंधित है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ठीक है ए और बी दोनों ऑप्शन सही दिया था उसमें तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इस तरीके के कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए एक प्रश्न और पूछा गया था आपसे कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा किसने दी तो लौकिकीकरण की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में दी है एम एन श्रीनिवास ने यह बात भी ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से एक प्रश्न और पूछा गया था कि प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है तो पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है प्रौद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप ये बात ध्यान रखेंगे जब इंडस्ट्रियल का इंडस्ट्री का विकास हुआ प्रौद्योगिकी का विकास हुआ उद्योगों का विकास हुआ तो एक नया वर्ग बना पूंजीपति वर्ग का निर्माण हुआ क्लियर यह प्रश्न दो में पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगला क्वेश्चन आपके पर आ चुका है समाज के प्रकारियों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है समाज के प्रकारियों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न प्राकार्य और आकार्य जानते हैं क्या होता है प्राकार्य का मतलब होता है प्राकार्य का मतलब होता है कि सामाजिक नियम के हिसाब से चलना आगे बढ़ना ठीक है वो प्रकार्य होता है एक होता आकार्य आकार्य जो होता है वो सामाजिक नियमों की विपरीत तो दिशा में चलता है यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सामाजिक नियमों की विपरीत दिशा में काम करे उसका उल्लंघन करे प्रतिकूल दिशा में चले ठीक है तो वो होता है आपका आकार्य ठीक है जबकि प्राकार्य जो होता है सामाजिक नियमों के अनुकूल चलता है ठीक है कोई व्यक्ति तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन कहलाता है जब सामाजिक प्रकारियों या समाज के प्रकारियों में कोई परिवर्तन होता है तो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सोशल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है सोशल डेवलपमेंट पुस्तक को किसने लिखा है तो इस पुस्तक को लिखा है किसने लियोनार्ड टेलोनी हाब हाउस ने हाब हाउस का पूरा नाम है लियोनार्ड ट्रेलोनी हाब हाउस तो हाब हाउस ने पुस्तक लिखा है सोशल डेवलपमेंट 1924 में इस पुस्तक को लिखा था 1924 में ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा हाब हाउस के द्वारा सोशल डेवलपमेंट 2023 में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था 2024 में और 25 में भी आ सकता है आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने रि रियंटर कि रि और स्पेकुलेटर पदों का प्रयोग किया फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है ये बताइएगा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न क्या है भाई बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नांकित या निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने रियंटर और स्पेकुलेटर पदों का प्रयोग किया तो बी पैरेटो ने किया था नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है किसने कहा सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है इसको कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने आपसे नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यह सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था किसने कहा था कि समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है किसने कहा किस विद्वान ने कहा था कि समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है यह कथन किसका है फटाफट पड़ से आप बताने का प्रयास करेंगे ये कथन है महकाइबर का ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महकाइबर इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न है किसने समाज की भौगोलिक समाज की भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया बताएं भौगोलिक निर्धारणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हंटिंग गटन ने किया था ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अगला प्रश्न किसका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चक्रिय नहीं है इनमें से बताएं चक्रिय सिद्धांत किसका नहीं है देखिए पैरेटो स्पेंगलर और टाइनबी ये तीनों जो हैं वो चक्रिय सिद्धांत के प्रणेता हैं जबकि स्पेंसर जो है वो उद्दिकासीय सिद्धांत की बात करते हैं ये बात ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से ओके क्लियर तो स्पेंसर लगा देंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्पेंसर जो है और एक खीय परिवर्तन की बात करते हैं उद्भा उद्विकासीय परिवर्तन अगला प्रश्न सिगमंड फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित होता है रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यह समाजीकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है नहीं वृद्धावस्था में समाजीकरण नहीं रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण जो है ये सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है सिगमंड फ्रायड ने सिद्धांत दिया था मनु बिश्रेसवाद का सिद्धांत है सिगमंड्राइड का ठीक है और ये सिगमंड फ्राइड की अगर बात करें तो सिगमंड जो है इड ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं क्लियर आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका फटाफट से आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है बताएंगे कौन सा विचारक कौन सा विचारक और सिद्धांत का युग्म सुमेल नहीं करता है मतलब इनमें से संबंधित नहीं है फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कौन सा विचारक और सिद्धांत का युग में जो है सुमेल नहीं करता है देखिए स्पेंसर ने सामाजिक विकास की बात करी है बिल्कुल ठीक है सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया बिल्कुल ठीक बात है तो एक प्रश्न ये तैयार हो गया दूसरा प्रश्न पैरेटो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया पैरेटो ने दिया है ये भी बिल्कुल ठीक है जनसंख्यात्मक सिद्धांत की बात मैंने बताई मालथस ने दी तो ये भी बिल्कुल ठीक है ये तीन प्रश्न आपके वैसे तैयार हो गए लेकिन यहाँ पर दिया गया सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है पीटरिम सोरो ने किसने दिया है पिटरिम सोरो ने दिया है इसको oh, okay, किसने दिया है सोरो ने दिया है ओके ये बात ध्यान रखें किसने दिया पिटरिम सोरो ने दिया सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत अकबर ने नहीं दिया है इसीलिए आपका यही वाला गलत हो गया यानी पूछा जो गया था आपका डी ऑप्शन वही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के दृष्टि से ठीक है क्लियर समझ में आ गया आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है किसने संस्कृति के तीन चरणों खास करके एक इंद्रिय परक चरण और दूसरा आदर्शात्मक और तीसरा विचारात्मक ये तीन चरण की अवधारणा किसने दी है संस्कृति के तो पीट्रिम शोरू ने दी है इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है इनमें से देखिए वर्ग संघर्ष की बात जब कभी भी होगी तो आप काल मार्क्स का नाम लगाएंगे काल मार्क्स बिल्कुल ठीक है वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दिया मार्क्स ने दिया ठीक है बिलासी वर्ग की उवधारणा की बात कौन करते हैं मार्क्स बेबलिन करते हैं बिल्कुल ठीक है

भाग होती है संस्कृति एक भौतिक संस्कृति होती है एक अभौतिक संस्कृति होती है तो भौतिक संस्कृति में बढ़ोतरी हो जाए भौतिक संस्कृति तीव्र गति से वृद्धि हो जाए अभौतिक संस्कृति की वृद्धि ना हो ठीक है और मतलब कि धीरे धीरे हो तो जब स, दो संस्कृतियों के बीच में क्या हो जाता है गैप हो जाता है उसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं समझ में आ रहा चीज़ों को तो यही चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ओके एक पुस्तक है एशियन ड्रामा किसने लिखा पुस्तक को एशियन ड्रामा गुरनार मिर्डल ने लिखा है 2023 में प्रश्न पूछा गया था तो गुरनार मिल्डल गुन्नार मिल्डल मिर्डल की रचना है एशियन ड्रामा ध्यान रखिएगा बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है ओके तो ये बताएं सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का कौन सा कथन सही है इसमें भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा ज़्यादा गति से परिवर्तन होता है ठीक है ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके भौतिक संस्कृति क्या होती है ऐसे की मान लेते हैं कि जो आपके यूज़ की जो वस्तुएं होती हैं ठीक है जैसे जो जिससे हम लोग आवश्यकता जैसे हमारी जैसे कुर्सी मेज़ टेबल ए फ्रिज कूलर ये सब ये जो आपके हैं भौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति वस्तुएँ आभौतिक संस्कृति में आपके विचार ठीक है आचार व्यवहार आपके इन सभी में परिवर्तन तो वो आभौतिक संस्कृति है ठीक है और भौतिक संस्कृतियाँ आपको दिखाई देती हैं आप भौतिक संस्कृतियाँ आपको नहीं दिखती हैं आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके बताएंगे संस्कृतिकरण के बारे में प्रश्न है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आप सभी लोग जानते ही हैं क्या होता है संस्कृतिकरण संस्कृतिकरण का मतलब होता है जब दिज जातियाँ जो होती हैं उनकी जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा किया गया जो व्यवहार है वो जो काम कर रहे हैं उन उनका जब कोई नकल करता मतलब जो जो निम्न जाति के लोग हैं जब उसकी उसकी नकल करते हैं तो वही हो जाती है संस्कृतिकरण ठीक है उसी को संस्कृतिकरण बोलते हैं क्लियर तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो काम करते हैं अगर वही काम शूद्र भी मतलब कि वैश्य का काम शूद्र अपना ले करने लगे उनके ऐसा व्यवहार उनके ऐसा आचार व्यवहार या मान लेते कोई निम्न जाति का व्यक्ति है वो ब्राह्मण जैसे जो है सब कुछ काम करे तो उसको बोलते हैं ऐसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण बोलते हैं ब्राह्मणों जैसा आचार व्यवहार अपना ले ठीक है उनके जैसा हर चीज़ उन्हीं के जैसा मतलब अपना ले तो वही संस्कृतिकरण प्रक्रिया होती है उसी के द्वारा संस्कृतिकरण प्रक्रिया के द्वारा कोई निम्न जाति उच्च जाति के जो तमाम प्रकार के क्रियाकलाप और आचार व्यवहार पहनावा वढ़ावा जो कुछ होता है सब कुछ अपनाना ही होता है क्लियर तो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को किसने अग्रिम समाजीकरण कहा है अग्रिम समाजीकरण योगेंद्र सिंह ने कहा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को नंबर सी आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बी करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन पर आ चुका है किसने कहा कि मानवता तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण का एक अंग है जिसने भारत में संस्थागत और सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया

मतलब के रूप में किसने परिभाषित किया आधुनिकीकरण को प्रौद्योगिक वृद्धि के रूप में किसने परिभाषित करा है तो इन्होंने करा है मैरियन जे लेबी ने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन साहब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय माना है बताएं किसने माना एक सांस्कृतिक प्रत्यय माना योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण को संस्कृति का एक प्रत्यय माना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण के पश्चिमी मॉडल को किसने प्रस्तुत किया आधुनिकीकरण के पश्चिमी मॉडल को लर्नर ने प्रस्तुत किया लर्नर का पूरा नाम डेनियल लर्नर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है दी फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है बताएं जॉर्ज सीमेल या डेहर ड्राफ या कोजर ठीक है या फिर मैक्स बेबर बताए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा द फंक्शंस ऑफ़ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक बड़ी जबरदस्त है इसको लिखा है कोजर ने ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे द स्टडी ऑफ़ मैन किसकी रचना है द स्टडी नाम द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक को लिखा है हाइड अल्फ्रेड ने वैसे तो लेकिन अगर इसमें ऑप्शन में जो है द स्टडी ऑफ मैन की रचना हाइड अल्फ्रेड ना मिले तो आप लिंटन भी लगा सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन सा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है निम्नलिखित में से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं दिया है तो लिंटन रेडफील्ड और हर्स कोबिट्स ये सब पर संस्कृति ग्रहण की बात करते हैं जबकि आगबड़ नहीं करते हैं आपसे नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन सर नगरवाद एक जीवन दर्शन है यह परिभाषा किसने दी नगरवाद एक जीवन दर्शन है ये कहा था लुई बिर्थ ने किसने कहा था लुई बिर्थ या लुई बर्थ आपसे नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन से सोसाइटी एक पुस्तक का नाम है किसने लिखा सोसाइटी पुस्तक के लेखक सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखा है माइकाइबर ने लिखा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा माइकाइबर और पेज आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा माइकाइबर और पेज का पूरा नाम क्या कभी आप लोगों ने गौर किया माइकाइबर माइकाइबर की बात की तो माइकाइबर का पूरा नाम जानते हैं क्या है रॉबर्ट मारिसन माइकाइबर रॉबर्ट मारिसन माइकाइबर इनका पूरा नाम है अगर पेज के नाम की मैं बात करूँ पेज माइकाइबर पेज खूब आपने सुना होगा समाज शास्त्र में तो पेज का पूरा नाम है चार्ल्स हंट पेज क्या नाम है चार्ल्स हंट पेज ये हंट का मतलब किन का पूरा नाम है पेज का और माइकाइबर का नाम है रॉबर्ट मॉरिसन माइकाइबर ओके ये बात ध्यान रखिएगा आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारक को रेखांकित किया है फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया चले निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारक को रेखांकित किया है चले भाई कमौन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे बताएंगे अगस्त कॉम्प्टे स्पेंगलर बेबलन या माल्थस प्रौद्योगिकीय कारक प्रौद्योगिकीय कार्योगिकीय कारक की बात किसने करी फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताए निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारकों का कारकों को रेखांकित किया प्रौद्योग कारकों को, को आ <coughs> चुका भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने से पहले या होने से सामाजिक परिवर्तन घटित होता है या कथन किसने कहा बताएं भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने से पहले सामाजिक परिवर्तन घटित हो जाता है यह बात मार्क्स ने कहा था बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दो हज़ार सत्रह अठारह उन्नीस से लगातार प्रश्न आ रहा है अगला क्वेश्चन साहब देखेंगे प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी भी प्रविधि से है या कथन किसका है प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी भी प्रविधि से है ये आग का कथन है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव है प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है श्रमिक संगठन का निर्माण बिल्कुल ठीक है गतिशीलता का बढ़ना और श्रम का विशेषिकरण होना बिल्कुल ये तीनों होते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है बताए पुस्तक किसने लिखी है स्पेंगलर महोदय ने लिखी है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के मतलब प्रौद्योगिक कारकों के साथ किसका नाम संबंधित है इनमें से तो काल मार्क्स का नाम संबंधित है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समाज की बुनियादी संरचना है समाज की बुनियादी संरचना होती है आर्थिक संरचना ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्स आर्थिक संरचना पर विशेष बल देते हैं अगला प्रश्न है पुस्तक सोशियोलॉजी असिनॉप्सिस सोशियोलॉजी ए सीनाप्सिस इस पुस्तक को किसने लिखा है क्यूबर की पुस्तक है सोशियोलॉजी असिनॉपसिस ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके ये बात ध्यान रखेंगे बड़ी ही जबरदस्त पुस्तक है ये ओके और भी आपसे प्रश्न पूछा पूछाता है द थियरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी है द थियरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक लिखी है डेबलिन ने ये बात ध्यान रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ओके okay. आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों अच्छा ये बताएं प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा ओके okay. आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन साहब की स्क्रीन पर आ चुका है बड़ी ही जबरदस्त पुस्तक है बताएं मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक के लेखक बताएं मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक किसने लिखी है ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1948 में 1948 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी ठीक है इसको लिखा हर्ष कोविड ने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ओके okay? बिल्कुल बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर अच्छा एक <coughs> आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताएं जो है मैं और मुझे की उधारा किसने दी है तो मीड ने दी है पराहम की बात कौन करता है तो पराहम की बात या पराहम इड ईगो सुपर ईगो की बात कौन करता है सिगमंड फ्रायड करते हैं सांस्कृतिक विलंबना की उधारा किसने दी है आकबर ने दी है क्लियर और अगर बात करें आपसे पूछे कि उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया तो आप बताओगे स्पेंसर ने दिया है ये सब प्रश्न आप ध्यान रखिएगा ओके अगला क्वेश्चन साफ कि स्क्रीन पर आ चुका है किसका विचार है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है या धर्म जनता के लिए अफीम है ये कथन किसने कहा था मैं कहा सॉरी काल मार्क्स का कथन है ये काल मार्क्स ने कहा था अठारह सौ तिरालीस में ये बात कही थी कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम है या लोगों के लिए अफीम है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न था हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी है बेस्टर मार्क बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक हैं बेस्टर मार्क ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन साहब देखेंगे आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्येक को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया लुइस कोजर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आगे देखेंगे पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक बड़ी जबरदस्त पुस्तक है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक को लिखा अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्ट ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात को अगस्त कॉम्ट ने पुस्तक लिखा है कौन सी पॉजिटिव फिलोसॉफी ओके प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखा हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी किसने लिखा है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक को किसने लिखा है इमायल दुरखीम ने लिखा है ये सब ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है द क्या पुस्तक कौन सी है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड इस पुस्तक को किसने लिखा है हॉवेल ने लिखा है किसने well लिखा है किस हॉवेल ऑप्शन well? नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ इस पुस्तक को लेखक किसने लिखा है बताएं द प्रजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी डे लाइफ इसको लिखा है इरबिन गॉफ मैन ने इरबिन गॉफ मैन ऑप्शन नंबर बी बीफ मैन दिया करेक्ट आंसर हो जाएंगे आंसर आगे देखेंगे आई आई स्टडी स्टडी ऑफ ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है बड़ी जबरदस्त पुस्तक है ये परीक्षा के दृष्टि से बताएं आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है एज ए टाइनबी ने लिखा है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका आगे देखेंगे सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है सांस्कृतिक विलंबना और आगवर्ण ने दी है नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंने बताया संस्कृति जो है अच्छा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है ये प्रश्न कई बार पूछा गया है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है ये कथन कहा था हर स्कोबिट्स ने ओके ये बात ध्यान रखिएगा तो क्लियर एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है मैंने बता दिया आपको गुड़नार मेडल है आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है परीक्षा के दृष्टि से आपके फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे प्रश्न आ चुका है परीक्षा के दृष्टि से कौन सी एक विशेषता सामाजिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है बताएं कौन सी एक विशेषता सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड नहीं है देखिए तो सार्व सार्वभौमिक घटना अनिवार्य घटना या फिर निश्चित भविष्यवाणी नहीं या उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए कौन सी कौन सी विशेषता सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है

चक्रिय संघर्ष या प्रकार्यात्मक तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रकार्यात्मक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स पुस्तक बड़ी फेमस है एग्जाम में कई बार ये पुस्तक पूछा गया है बताएं तो आजिक, सोशल सोशलॉजिक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक को लिखा है पीट्रीम सोरोकिन ने बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा एक एक पुस्तक है थियरी ऑफ सोशल कंट्रोल किसने लिखा है लेपियर ने लिखा है थीरी ऑफ सोशल कंट्रोल पुस्तक किसने लिखा है लेपियर ने लिखा है ओके ध्यान रखिएगा इस बात को आगे देखेंगे परिवर्तन उतार चढ़ाव की एक प्रक्रिया है या कथन किसका है तो परिवर्तन उतार चढ़ाव की एक प्रक्रिया है या कथन है पीटरिम सोरोकिन का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला क्वेश्चन आप देखेंगे काल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन का निर्धारक है इनमें से कौन सा कारक है उत्पादन की प्रणाली बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आगे देखेंगे अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करी जाती है और बनाए रखी जाती है ये शब्द किसके हैं यानी यह कथन किसने कहा था यह कथन इनमें से किसी का नहीं है डी ऑप्शन लगा दीजिएगा अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है बताएं नगरीय समाज में परिवर्तन बहुत ज़्यादा तेज होता है ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी में बदल जाता है वो प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है बेसिकली तो ठीक है लेकिन यहाँ पर उद्विकास के द्वारा भी होता है तो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी वैसे बनता है अगर इसकी बात करें तो समाजीकरण की प्रक्रिया आप लगाएंगे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तो समाजीकरण की प्रक्रिया के, के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक जैविक प्राणी एक सामाजिक प्राणी बदलता है हालांकि उद्विकास की प्रक्रिया में भी ये संभव है ठीक है लेकिन जो मुख्य रूप से बेसिकली है वो ये है लेकिन अगर ऑप्शन आप में आपको ए और बी दोनों दे तो आप सी ही लगाएंगे सामाजिककरण और उद्विकास दोनों लेकिन अगर केवल सामाजिकरण प्रक्रिया और विकास दे और यहाँ पर ए बी सी ना दे तो आप हमेशा ए लगाएंगे ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा आगे देखेंगे कामटे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना अगस्त कामटे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार किसको माना बौद्धिक विकास को ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास होगा तभी जो है समाज में परिवर्तन हो पाएगा ओके आगे देखें अगला क्वेश्चन साहब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आइए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग बताएं प्रश्न है किसने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया फटाफट पड़ से आप बताने का प्रयास करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से फटाफट पड़ से आप बताने का प्रयास करेंगे किसने ऐसा किया बताएं किसने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत का प्रतिबंध क्या मैंने आपको बताया था इस पुस्तक को किसने लिखा है इस पुस्तक को किसने लिखा है फटाफट से आप बताएंगे पेट्रिम सोरोकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रिम सोरोकिन तो इन्हीं की पुस्तक है अगला प्रश्न आप देखेंगे मैक्स बेबर ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए अधिक महत्व किसे दिया पूंजी को शिक्षा को संस्कृति को या धर्म को बताएं तो मैक्स बेबर ने सामाजिक परिवर्तन की मतलब क्या प्रश्न पूछा गया है प्रश्न ये पूछा गया है कि मैक्स बेबर ने सामाजिक परिवर्तन मैक्स बेबर ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए अधिक महत्व किसे दिया है धर्म को दिया ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है हर्ष कोबिड्स ने कहा था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है किसने कहा हर्ष कोबिड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे किसने कहा है कि लोगों के जीवन जीने का ढंग ही उन्हीं मतलब कि उनकी संस्कृति है लोगों के जीने का ढंग ही उनकी संस्कृति है ये बात कही थी मजूमदार और मदान ने ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पिटृिम स्वरूप के द्वारा प्रस्तुत संस्कृति का स्वरूप नहीं है बताएं कौन सा स्वरूप नहीं है भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पीटृम स्वरूप द्वारा प्रस्तुत संस्कृति का स्वरूप नहीं है आ वास्तविक स्वरूप नहीं बाकी चेतनात्मक आदर्शात्मक और विचारात्मक ये पीटृम स्वरूप इनने संस्कृति के स्वरूप बताए हैं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान में इतिहास स्वयं को दोहराता है बताएं सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान में इतिहास स्वयं को दोहराता है तो इनमें से किसी परिवर्तन में मतलब सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान में इतिहास स्वयं को दोहराता है तो इसमें देखें तरंगीय परिवर्तन और रेखी देखिए इसमें तरंगीय परिवर्तन में तो होता नहीं तरंगी परिवर्तन में दोहराता नहीं है जैसे कभी ऊपर मतलब की जनसंख्या वाली बढ़ी फिर घट जाएगी फिर बढ़ जाएगी फिर घट जाएगी दोहराएगा नहीं रेखी परिवर्तन में सीधा गति होती है यानी कि आज जैसे एक एक परिवर्तन हुआ फिर कल दूसरा परिवर्तन तो एक उससे उच्चतर क्वालिटी में परिवर्तन होता जाएगा और फिर लौट करके यहाँ पर नहीं आएगा वो ठीक है ऐसे तो तरंगीय परिवर्तन रेखीय परिवर्तन दोनों दिए तो ये तीनों गलत आंसर आपके हैं ठीक है यहाँ पर ऊपर में से डी लगा देंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप पूछेंगे सर जी कि किस प्रकार के परिवर्तन में ऐसा होता है तो तरंगीय परिवर्तन ना तो देखिए परिवर्तन में किस परिवर्तन में चक्रीय परिवर्तन में होता है जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था ठंडी गर्मी बरसात फिर बरसात के फिर ठंडी आती है यानी इतिहास को दोहराया फिर गर्मी फिर बरसात ठंडी गर्मी बरसात इस तरीके से हमेशा इतिहास दोहराता रहता है और इस तरीके के परिवर्तन होते रहते हैं आगे देखेंगे बढ़िया प्रश्न है सोशोलॉजी एंड फिलासॉफी सोशोलॉजी एंड फिलासॉफी पुस्तक के लेखक कौन है बताएंगे देखिए इनमें से माइकावर पेज ने भी नहीं लिखी जॉनसन की भी नहीं कूले की भी नहीं सोशोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक लिखी इमाइल दुर्खीम ने किसने लिखी है इमाइल दुर्खीम ने लिखी आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया इमाइल दुर्खीम ने दिया ठीक है ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा ओके ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न सामाजिक उत्त विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया अब जात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटों ने दिया जनसंख्यात्मक सिद्धांत किसने दिया सामाजिक परिवर्तन का मालथस ने दिया ठीक है सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया पीट्रिम सोरोकिन ने दिया सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है किसने दिया भैया सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत अकबर ने दिया है ओके तो ये कई सिद्धांत हैं आपसे पूछे वर्ग संघर्ष की विचारधारा काल मार्क्स की है बिलासी वर्ग की या बात कौन करते हैं काल मतलब कि मार्क्स बेबलिन करते हैं सांस्कृतिक सांस्कृतिकता पेट्रीम सोरोकिन क्लियर तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो इन चीजों को मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए तो सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक को लिखा इमाइल दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात भी करते हैं इमाइल दुर्खीम सामूहिक समाज जो है सामो सामाजिक प्रतिनिधि का विज्ञान है किसने कहा था समाज साध सामाजिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है किसने कहा था ये इन्होंने ही कहा था किसने इमायल दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दी है इन्होंने दी है दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है ठीक है और पुस्तक सोशोलॉजी एंड फिलोसफी किसने लिखी दुर्खीम ने लिखी है अगला प्रश्न किसने कहा कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है तो कालम्क्स ने इस बात को कहा था वर्ग संघर्ष की जब भी बात हो तो आप काल मार्क्स आंख मूंद करके लगा देंगे टिक अगर तुक्का अगर मारने को आपको हो अगर नहीं याद आ रहा है तो जब भी वर्ग संघर्ष की बात आए तो आप संघर्ष संघर्ष शब्द आए ज्यादा तो काल मार्क्स का नाम आप लगा दीजिएगा अगला प्रश्न है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक बड़ी धाकड़ है बताएं इस पुस्तक को और कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगस्त कामटे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का उदाहरण है फटाफट से आप बताएंगे किस सिद्धांत का उदाहरण है भैया त्रिस्तरीय सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का रेखीय सिद्धांत का उदाहरण है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा ओके अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है किसने पु पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मेन्यूस्क्रिप्ट लिखी द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मेनुस्क्रिप्ट पुस्तक को किसने लिखा है कार्ल मार्क्स ने लिखा है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व… किसने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उत्पादन शक्ति और उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंध शब्दावली का प्रयोग किया है किसने करा है भाई तो ये उत्पादन उत्पादन शक्ति उत्पादन प्रणाली की बात भी मार्क्स करते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आर्थिक निर्धारणवाद के उदाहरण किसने दी आर्थिक निर्धारणवाद की उधारा मार्क्स ने दी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार संहिता एक पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा किसने कहा था ये मैक्स वेबर ने कहा था बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन आप देखिए गए आग के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है उसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विलंबना सांस्कृतिक विलंबना इज राइट आंसर ओके आगे देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है फटाफट भड़ से आप देखने का प्रयास करेंगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी किसने लिखा है माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक पायरेटो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा में पूछा गया अगला है अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकीय निर्णाय मतलब कि निर्णायवाद की उदाहरण किसने दी प्रौद्योगिकीय निर्णायवाद की या नीतिवाद प्रौद्योगिकीय नीतिवाद की उदाहरण किसने दी है मार्क्स बेबलिन ने दी है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका किसने किसके किसने पुस्तक सोशल चेंज विद सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर ये किसने लिखा है बताएं सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर पुस्तक के लेखक हैं आगबर्न ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मैकाइबर और पेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है इनमें से सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान जो है देखें रेखीय परिवर्तन है चक्रीय परिवर्तन है उतार चढ़ाव का परिवर्तन है किसके अनुसार मैकाइबर पेज के अनुसार जबकि मैकाइबर पेज जो है प्रकारवादी परिवर्तन की बात नहीं करते प्रकारवादी परिवर्तन की बात अगस्त अगस्तकाम जरूर करते हैं लेकिन ये मैकाइबर पेज नहीं करते ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में बांटा है बताएं तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति में किसने बांटा है अकबर ने बांटा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है संस्कृति व समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान विश्वास कला आचार कानून प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदर्शों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है या कथन किसका है फटाफट से आप बताएंगे या कथन है ई बी टाइलर का ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कौन सा विचारक और सिद्धांत का युग्म सुमेल नहीं करता इनमें से अगर मैं आपको बताऊं कौन सा सुमेल नहीं करता देखिए स्पेंसर सामाजिक विकास की बात करते हैं बिल्कुल ठीक है पर्यटो अभिजात वर्ग के भ्रमण का सिद्धांत पर्यटो देते हैं ठीक है ठीक है मालथा जनसंख्यात्मक सिद्धांत देते हैं आग जो है सामाजिक गतिशीलता की बात नहीं करते सामाजिक वो क्या करते हैं सांस्कृतिक विलंबना की बात करते हैं आग ठीक है सामाजिक गतिशीलता की बात कौन करता है पिटृिम सोरोकिन करते हैं सांस्कृतिक गतिशीलता पीटृम सोरोकिन की विचारधारा है ठीक है जबकि आगवर्ण की अगर बात की तो सांस्कृतिक विलंबना की बातों करते हैं कौन आग क्लियर ध्यान रखेंगे भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों को बांटने का काम करते हैं आग क्लियर ये बात ध्यान रखेंगे तो कई प्रश्न आप लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिए आगे और देखें कुछ प्रश्न और आपके बचे हुए हैं ठीक है आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फटाफट से आप देखेंगे फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं अच्छा लग रहा है हमको चले प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है सामाजिक उद विकास की उद्धारणा किसने दी बताएं किससे संबंधित है सामाजिक उद विकास के उद्धारणा हर्बर्ट स्पेंसर से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं उन प्रश्नों को कई बार जो है आपको बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो ये सब आपको अगर रटा रहेगा तो परीक्षा में ही प्रश्न आने वाले हैं अगला प्रश्न है सिगमंड फ्रायड के अनुसार इड ईगो एंड सुपर ईगो आपसे पूछेगा इड ईगो एंड सुपर ईगो की उदाहरण किसने दी तो आप बताओगे फ्रायड ने यानी फ्रायड का पूरा नाम क्या सिगमंड फ्रायड सिगमंड फ्रायड के एक विशेष एक मतलब कि सिद्धांत है कौन सा भी सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया पूछेगा मनोविश्लेषणवाद मनोविश्लेषण ठीक है वाद की विचारधारा किसने दी है सिगमंड फ्रायड ने दी है इड ईगो एंड सुपर ईगो की बात उसी में उन्होंने करी है सिगमंड फ्रायड ने इसमें इसी मनो सिद्धांत में क्लियर तो ये बताएं तीन अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं इनके अनुसार मानव विकास की, की या मानव शरीर की या बौद्धिक विकास की देखिए ये इड ईगो एंड सुपर ईगो ये मानव मन की एक प्रकार से ये अवस्थाएं हैं ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा आगे देखेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेल कीजिए सही से देखें आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत जो दिया है वो चार्ल्स कूले ने दिया है बिल्कुल ठीक है मैं और मुझे सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये जो है मीड का कथन है बिल्कुल मीड का सिद्धांत है मैं और मुझे ठीक है यानी आई एंड मी की बात कौन करते हैं ये मीड करते हैं इड अहम एंड पराहम इड हिंदी में इड बोलते हैं इड इड को अंग्रेजी के इड को हिंदी में इड बोलते हैं अहम और पराहम यानी कि ये सुपर ईगो है पराहम अहम जो है ये ईगो है ठीक है तो इड यानी इड ईगो एंड सुपर ईगो सिद्धांत तो फ्रायड सामने बिल्कुल फ्रायड हो जाएंगे अनुकरण का सिद्धांत ये टार्ड बिल्कुल ठीक है यानी कि आप दर्पण यानी ए का ए होगा ठीक है दो का बी होगा और तीन का सी होगा और चार का डी होगा यानी कि आप देखेंगे ए एक ए एक एक ए इसमें है एक इसमें है तो ये बी वाला और सी वाला वैसे डी वाला करेक्ट गल, 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 गलत हो जाएगा ठीक है टू में बी है टू में बी ये भी टू में बी इसमें भी ये ठीक है दोनों अभी तक सही है थ्री में डी यहाँ पर हो गया गलत हो गया ठीक है थ्री में सी है और फोर में डी है बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर ठीक है आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जैव प्राणी जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है देखिए यहां पर सामाजिकरण के द्वारा होता है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मीड के लिए सामानवीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है फटाफट से आप बताएंगे बताएं मीड के लिए सामानवीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है तो मी के मी के सृजन करता है ठीक है मुझे के अगला क्वेश्चन से आई मतलब उन्होंने मी एंड मुझे की बात उन्होंने तो करी है किसने करी है मैं और मुझे की बात कौन करता है मीड करते हैं यानी आई एंड मी की बात तो मी जो है वो सामानवीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य जो है उसी के सृजन करता है अगला क्वेश्चन से सामाजिक डार में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है बताएं तो बिल्कुल कौन करते हैं उद्विकासवादी करते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा किसने कहा उद्विकास केवल एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है उद्विकास केवल एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है एक बात कही थी आगवर्द और निमकाप ने ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्विकास केवल एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है आगवर्धन और निमकाप का कथन है आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति होती है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित काल तथा संबंध समानता से अनिश्चित था असंबंध समानता से निश्चित और संबंध भिन्नता में बदल जाता है ये किसने कहा था उद्विकास की परिभाषा को देते हुए हार्बर्ट स्पेंसर ने बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है निम्नलिखित में से ए, किस विचारक मतलब कि निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांतों से संबंधित है उद्विकासीय सिद्धांतों की बात की जाए तो उद्विकासीय सिद्धांत में आप देखेंगे कांट स्पेंसर और मार्गन इनका नाम आता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में से और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सिगमंड फ्राइड से संबंधित नहीं है देखें इड ईगो एंड सुपर ईगो ये बात सिगमंड फ्राइड के अनुसार आती है स्वा की बात ये नहीं करते स्वा की बात ये नहीं करते क्लियर ये बात ध्यान रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन ओके तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे ओके आ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चूँकि इसी प्रकार से वीडियोज़ में लगातार देता रहता हूँ और दो सौ दो वाला जो कोड है आपका समाजशास्त्र का उसकी वीडियो भी जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगी ओके बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा बहुत मेहनत लगती है ओके धन्यवाद आप सभी का ओके चलिए